Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be doing one such question that came in your JEE Main examination. So let us see this question first. And mind you, this question came on 3rd September 2020 shift 2. So this question says, amount of solar energy received on the earth surface per unit area per unit time is defined as solar constant. So dimension of solar constant is. So jaldi se question mein jo given hai wahi visualize karo. Kya given hai bhai? Solar constant let it be C. है ना, सोलर कांस्टेंट क्या कहता है, इसी का डायमेंशन. दिस इज दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस. सोलर कांस्टेंट लेट इट बी सी. सो इट इज इक्वल टू एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. है ना, यही गिवन है आपका. तो इसका आपको यूनिट बताना है. वी ऑलरेडी नो एनर्जी की क्या यूनिट होती है, डायमेंशन होता है, एमएल स्क्वायर टी माइनस टू. सिंपल, जल्दी से करेंगे. एरिया का कितना होता है, एल स्क्वायर टाइम. ओके, टाइम का ऑलरेडी गिवन है, टाइम. ठीक है, सो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. सो दिस इज इट. तो सी का डायमेंशन जल्दी से फाइंड करो. एल स्क्वायर से एल कैंसिल, एम एल की पावर जीरो एंड टी की पावर ये नीचे आ जाएगा, तो इट वुड बी इक्वल टू माइनस थ्री. सो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि डायमेंशन के क्वेश्चन अगर आते हैं आपको, हार्डली आपको सॉल्व करने में 30 सेकेंड्स लगेंगे. सो मेक श्योर कि आप सब डायमेंशन एनालिसिस के सबके फॉर्मुलेज आप याद रखो. ठीक है, सो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है. एम एल जीरो एंड टी माइनस थ्री. सो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. थैंक यू.